गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास टेंथ की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज लाइफ प्रोसेस। बेटा, पिछली क्लासेस में हमने स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो बात की थी ह्यूमन सर्कुलेशन की या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, जहाँ हमने ये एक एक पहलू को आपको समझाने की कोशिश की थी कि बेटा किस तरह से ह्यूमन के अंदर में सर्कुलेशन होता है, यानी आर्टरीज दूर लेके जाती हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द ऑर्गन, एंड ऑर्गन से हार्ट के तरफ लेके आती है वेन। ये भी बताया था मात्र एक आर्टरी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, मात्र एक बताया था ना, मात्र एक, ओनली वन वेन होती है दैट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज पल्मोनरी वेन। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स चूंकि सर्कुलेशन जो होता है, यानी ब्लड जो है, पहले देखो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया आर्टरीज के माध्यम से, एओर्टा के माध्यम से। तो अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया, यानी कि हार्ट से बाहर आ गया एक बार, फिर बॉडी से घूमते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से एक बार आता है हार्ट में, यानी राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर एक बार निकलता है, यानी बेटा हार्ट जो है उसके बाद जाता है लंग के पास। तो हार्ट से दो बार ब्लड पास हो रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। मैंने ये भी बताया था एक सर्कुलेशन जो बॉडी बॉडी के ऑर्गन्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, इसको क्या बोला था, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के बॉडी ऑर्गन्स के पास गया, बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम तक आया, इसको हमने बोला था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और आप राइट वेंट्रिकल से जब ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से राइट एट्रियम आएगा, ये होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन हमने बताए थे। तो जितनी भी बातें अहम बातें हो चुकी थी कि भैया हम लोगों की बात करें, मैमल्स की बात करें, उनमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। बेटा आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो डबल सर्कुलेशन की वजह से हमारा टेम्परेचर, मैं भी मैमल हूँ आप भी मैमल हो, तो हम दोनों का टेम्परेचर एक कांस्टेंट होता था, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है ड्यू टू दिस डबल सर्कुलेशन, हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है। क्लियर है जी? अब मान लीजिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं बात करता हूँ पार्टिकुलरली एम्फीबियंस की और पार्टिकुलरली आपके रेप्टाइल्स की, तो बेटा इनमें जो होता है इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ये चेंज होता रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि इनमें जो टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है, उसके हिसाब से इनके बॉडी टेम्परेचर रहते हैं। यानी अगर वहां पे कुछ ऐसा हार्श एंड फास्ट टेम्परेचर है तो ये बेसिकली एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे। देखते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा स्नेक आपको ठंडियों में नहीं दिखेगा सॉरी बेटा, लेकिन आपको गर्मियों में दिखेगा, भैया स्नेक गया कहाँ? तो जो कंडीशन उन्हें फेवरेबल नहीं होती है उस समय वो क्या होते हैं, चले जाते हैं हाइबरनेशन एस्टिवेशन करने के लिए, देखेंगे हम लोग जैसा भी देखना होगा। तो बेटा जी, यानी एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस यानी मेढक उढक भी आप देखोगे ज्यादातर आपको कब दिखेंगे, बेसिकली अगर बोले तो कब दिखेंगे, बरसात के समय में ना बेटा जी। तो ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से, क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इनमें क्या होता है बेटा, सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होता है, यानी कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा जी एम्फीबियंस और रेप्टेलिया के अंदर में दो ऑरिकल्स या दो एट्रियम तो पाए जाते हैं, लेकिन केवल एक ही वेंट्रिकल पाया जाता है, इसलिए इनके वेंट्रिकल में मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। क्लियर है जी? तो आज हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे सर्कुलेशन इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया के केस में। चलिए बेटा जी, तो जो बातें मैंने बोली वो आपको याद रखनी है कि भैया एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे रेप्टाइल्स का नाम बताओ, जैसे कि सैलेमेंडर की अगर बात करते हैं, कुछ टोड होते हैं, जनरली ये
एस्टिमेट करते हैं, यानी कि इनके अंदर में एस्टिमेशन होता है। बेसिकली ये एक समर स्लीप के लिए जाते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ये कीचड़ के अंदर में घुस जाते हैं जहां उनको थोड़ी बहुत ठंडी मिलती है, और इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं वहां पे जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। क्लियर है जी? तो एस्टिमेशन को बोला जाता है समर स्लीप। हाइबरनेशन यानी कि अगर देखेंगे जो सांप होते हैं यानी कि स्नेक होंगे, बेसिकली फ्रॉग होंगे, इनको आप देखोगे ठंडियों में आपको नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ठंडी क्या होगी बेटा, दे आर नॉट एबल टू कोप विद दैट टेम्परेचर। सो ये जमीन के अंदर में चले जाते हैं जहाँ इनको कुछ गर्मी मिलती है, तो वहाँ पे ये इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। दैट जो स्लीप होती है विंटर के सीजन में, दैट इज नोन एज हाइबरनेशन। तो यानी कि बेसिकली ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे ना, अकॉर्डिंग टू द इनका चेंजेस होगा, इनकी बॉडी टेम्परेचर चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ठंडा है उनका बॉडी टेम्परेचर खुद ठंडा हो जाएगा, उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए वो कोप करने के लिए, उस कंडीशन से बचने के लिए कुछ समय के लिए स्लीप पे चले जाते हैं। वहाँ उनकी बेसिकली क्या करते हैं बेटा, अपनी एक्टिविटी को कम कर लेते हैं। क्लियर है जी? तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि बेटा उनके में एक ही वेंट्रिकल पाया जाता है, देयर इज ओनली वन वेंट्रिकल, लेकिन बेटा जी दो ऑरिकल्स पाए जाते हैं। अब ऑरिकल्स अपना ब्लड वेंट्रिकल में लाते हैं। बेटा हमारे अंदर में क्या था, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट पार्ट था उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, और जो राइट पार्ट था उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे देखते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम बात करेंगे एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, तो इनके अंदर में केवल लंग्स ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। इट मे रेस्पायर थ्रू स्किन, इट मे रेस्पायर थ्रू गिल्स, और ये लंग्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं। क्लियर है जी? मान लीजिए लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और सबसे पहले ये आया आपके लेफ्ट एट्रियम में, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इट पासेस थ्रू द वेंट्रिकल। बेटा एक कहीं वेंट्रिकल है तो जाएगा कहां, उसी वेंट्रिकल में जाएगा ना जी। तो यहां पे जो ब्लड आया है ये कैसा है, ऑक्सीजन वाला या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर फ्रॉम दैट वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल में कंट्रेक्शन होगा, इट विल पासेस थ्रू द एओर्टा और आर्टरी से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा, बॉडी ऑर्गन्स के पास में पहुंचेगा ना बेटा जी। बॉडी ऑर्गन्स के पास में पहुंचा, बॉडी ऑर्गन्स ने कैपिलरीज के माध्यम से इसको यूटिलाइज किया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन हुआ होगा ना सेल के अंदर में। तो रेस्पिरेशन करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, अब ये ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी वेंस, इट विल ओपन इनटू द राइट एट्रियम। क्लियर है? फ्रॉम द राइट एट्रियम दिस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकल। सो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। तो बेटा यहां पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वहां से वेंट्रिकल से इट विल टेकन बाय द सम अदर वेन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी कुछ भी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द स्किन गिल्स और लंग्स के पास में पहुंच जाता है। तो चूंकि यहां पे सर्कुलेशन, यहां भी देख रहे हो ऑब्वियसली पास आउट तो हो रहा है लंग्स से, सॉरी आपके हार्ट से दो बार, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, फिर इधर से राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया। लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल क्या है, सेम है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है वेंट्रिकल के बीच में, देयर इज ओनली वन वेंट्रिकल। दैट्स व्हाई यहाँ पे मिक्सिंग होती है, किस चीज की बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं कहलाता है, क्या कहलाएगा बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसको बोलेंगे। क्लियर है जी? सो इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस रेप्टाइल्स देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट, दे डिड नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारी तरफ इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग है ब्लड की। एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, कितने चैम्बर, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम वन वेंट्रिकल, कितना हो गया भैया, थ्री चैम्बर्ड हार्ट हुआ ना, दो ऑरिकल वन वेंट्रिकल, दैट इज नोन एज थ्री चैम्बर्ड हार्ट, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड
डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी है, तो यहाँ पे क्या हो रही है मिक्सिंग। दे कंटेन टू ऑरिकल्स, देखिए राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल या राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं इसको, बट ओनली वन वेंट्रिकल इज देयर, तो इसी वेंट्रिकल एक है तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है, दैट्स व्हाई इनका बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट नहीं रहता है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड, क्लियर है जी, तो इनमें जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, क्लियर है जी। अगर यहाँ पे सेपरेशन हो जाता तब तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल एक ही है तो ब्लड दो बार पास आउट हो रहा है सेम वेंट्रिकल से, दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जो आपको देखने को मिल सकता है एम्फीबियंस और रेप्टिलिया में, नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केसेस है, क्लियर है जी। चले दोस्तों आइए देखते हैं सर्कुलेशन इन केस ऑफ फिशेस। पहले तो ये जान लीजिए कि भैया इन केस ऑफ फिशेस केवल दो ही चेम्बर्ड पाए जाते हैं हार्ट के अंदर में, यानी एक होगा ऑरिकल एक होगा वेंट्रिकल, क्लियर है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिएगा, इनके अंदर में हार्ट जो होता है ना हार्ट, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर नहीं करता है। फिशेस के केसेस में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है थ्रू द गिल्स, गिल्स के आसपास में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं रिच, तो यहाँ जो ऑक्सीजनेशन होता है वो होगा बेटा गिल्स की मदद से, यानी वाटर आएगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा वाटर में उसको सेपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ गिल्स, और ये गिल्स से लगी होती है बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स, एंड फ्रॉम दैट गिल्स दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन बी ट्रांसफर्ड टू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स, फिर ये बॉडी पार्ट्स इसको यूटिलाइज करती है डिजोल्व ऑक्सीजन को, और डिजोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इट विल बी अगेन टेकन बाय द क्या बेटा वही आपके वेंस लेके जाएंगी, भैया यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड होगी वो तो आर्टरीज ही लेके जाएंगी, और भैया जो बॉडी पार्ट से निकलेगी वो वेंस होंगी, बहुत सारी वेंस कनेक्टेड होंगी, ये लेके जाएंगी ऑरिकल्स के पास में, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई, आर्टरीज रिच सप्लाई होगी ब्लड वेसल्स की, यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी वेंस हो गई, ठीक है जी। अब इनमें जो होगा रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट चूंकि ज्यादा नहीं होती है तो इनमें जो ब्लड प्रेशर भी होगा काफी लो ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेटा स्टार्ट कहाँ से सर्किल करेंगे, गिल्स से, गिल्स से कौन सा ब्लड आएगा, जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजनेशन थ्रू द गिल्स होगा, गिल्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है जी। आर्टरीज से होते हुए गया टू द बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स के पास में गया, फ्रॉम दैट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी टेकन टू द ऑरिकल, ऑरिकल से पास आउट होगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर आएगा गिल्स के पास में, तो इसका मतलब यहाँ पे हार्ट में या हार्ट से ब्लड कितनी बार पास हो रहा है, एक ही बार पास हो रहा है ना, सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन, जो कि पाया जाता है किसके अंदर में बेटा जी, किसके अंदर में, फिशेस के अंदर में, और यहाँ पे जब आप हार्ट को देख रहे होंगे तो हार्ट में कहीं भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इधर से पास हुआ तो निकला भी क्या, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास हो रहा है दोनों जगह से, ध्यान से सुनिएगा, दोनों जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास हो रहा है, चाहे ऑरिकल की बात करो चाहे वेंट्रिकल, यानी यहां पे प्योर ब्लड कहां से नहीं आ रहा है, हार्ट से नहीं आ रहा है, प्यूरिनेशन या अगर बोलेंगे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ गिल्स, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी पार्ट्स पे, बॉडी पार्ट से फिर ये जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल्स, ऑरिकल से वेंट्रिकल, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा गिल्स, यानी यहाँ पे गिल्स जो है वो मदद करता है ऑक्सीजनेशन में, क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा इस बात को। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चेम्बर्ड हार्ट, भैया एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल दो ही चेम्बर्ड है इन देयर हार्ट, एंड द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द गिल्स, ब्लड पम्प्ड आउट होता है, देखिए हार्ट कहाँ ब्लड को पंप करेगा और कौन सा ब्लड, ये नहीं मिल सकते हैं, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू द गिल्स, और गिल्स क्या करेंगे ऑक्सीजनेशन, याद रखा, एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स, यानी हार्ट किसको देगा ब्लड पंप करके, गिल्स को, इच ऑक्सीजनेटेड देयर, यानी कि
गिल्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जहां पे नीड होगी वहां पे ये पहुंच जाएगा डायरेक्टली। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिशेस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू आउट द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। तो ये आपका है सिंगल सर्कुलेशन जो पाया जाता है फिशेस में, क्लियर है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे बेटा। चले बेटा जी, कुछ मेजर डिफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन के बीच में। देखिए, अभी हमने बात की थी कि सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड जो है केवल एक ही बार जाएगा किसके अंदर में, हार्ट में, और फिर बाहर निकल आएगा। लेकिन डबल सर्कुलेशन जब हमने पढ़ा था तो बेटा जी याद रखिए, एक बार वो राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी ऑर्गन, फिर बॉडी ऑर्गन से फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, तब वो बाहर निकलता था। तो पूरे सर्किट में, वन सर्किट में वो दो बार हार्ट से पास होता था, इसीलिए उसको क्या बोलते थे, डबल सर्कुलेशन। पहला यही दे रखा है, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग होल सर्किट इन द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग कंप्लीटेशन ऑफ होल सर्किट, डबल पासेस ट्वाइस, तो इस यहां पे पासेस ट्वाइस लिखना होगा, पासेस ट्वाइस, ठीक है जी, दो बार। आई थिंक ये आपको विजिबल है कि नहीं है बेटा, जरा मैं देख लूं, या विजिबल है। सो ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग कंप्लीटेशन ऑफ होल सर्किट, पूरा सर्किट जब तक कंप्लीट होता है दो बार ये हार्ट से पास आउट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अभी कुछ देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था और बताया था, अभी कुछ समय पहले की बात है कि भैया इन केस ऑफ फिशेस क्या होगा, गिल्स ऑक्सीजनेटेड करता है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपके बॉडी ऑर्गन्स के पास, और बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आपके जाएगा कहां पे बेटा जी, हार्ट में, हार्ट के ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा गिल्स को फॉर द ऑक्सीजनेशन। यानी कि हार्ट में दोनों बार क्या पास आउट हो रहा है भाई, हार्ट में जो सर्कुलेशन चल रहा है, ऑरिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा जी याद रखिएगा, हार्ट यहाँ पे केवल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसमें, सिंगल सर्कुलेशन वालों में, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट। लेकिन हमने अपनी बात की थी तो मैंने बताया था बेटा जी, लेफ्ट वाला पूरा पार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये किसको कैरी कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे सेपरेशन है किसके केस में बेटा जी, डबल सर्कुलेशन में। सो बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस आउट थ्रू द हार्ट, दोनों पास आउट होता है हार्ट के द्वारा। थर्ड कह रहा है, हार्ट पंप्स ब्लड टू द ऑर्गन, यहाँ पे क्या हो रहा है सिंगल सर्कुलेशन में, देखा था हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रही थी गिल्स के पास में और गिल्स ऑक्सीजनेशन करा रहा था, हार्ट पंप ब्लड टू द ऑर्गन यानी गिल्स की बात कर रहा है वेयर ऑक्सीजनेशन इज टू अकर। लेकिन हमारे अंदर में ऑक्सीजनेशन हार्ट नहीं कराता है, कौन कराता है बेटा, लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग रिसीव करते हैं कहां से, लंग्स से। हार्ट पंप्स ब्लड टू द ऑक्सीजनेटेड ऑर्गन, देखो आएगा कहां से बेटा जी, लंग्स से, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, फिर उसके बाद ऑर्गन्स के पास में जाएगा। तो यहाँ हार्ट क्या पंप कर रहा है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे क्या पंप कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फर्क समझ में आया, यहाँ पे गिल्स को दे रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे हार्ट पंप कर रहा है ब्लड टू द ऑक्सीजनेटेड ऑर्गन, यानी कि बेटा यहाँ पे ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट पंप करके ऑर्गन्स के पास पहुंचा रहा है और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो सेल्स को भी जरूरत होगी वहां भी पहुंचा रहा है, क्लियर है जी। फोर्थ, दैट इज प्रेशर ऑफ ब्लड, जैसे ही मैंने बोला बेटा प्रेशर, जो यहाँ पे बेसिकली अगर देखेंगे तो हार्ट थोड़ी दूर है, गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो रहा है और गिल्स से आपके बहुत सारी वेसल्स जुड़ी होती हैं, तो यहाँ पे प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा, हार्ट कहीं और है, गिल्स कहीं और है, तो थोड़ा बहुत सेपरेशन हो गया, तो हार्ट पंप भी करेगा उतना प्रेशर से पंप नहीं कर पाएगा। सो प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द हार्ट, फ्लोइंग थ्रू द बॉडी इज लो होगा, यानी बेटा यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा आपके हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स के पास में जाएगा काफी स्लो होगा। लेकिन हमारे अंदर में
जब बेटा ब्लड को पंप किया जाता है तो वेंट्रिकल्स क्या करती हैं, कंट्रैक्ट करती हैं, और जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कंट्रेक्शन भी कहते हैं। इसकी वजह से आर्टरीज की वॉल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर, देखो बेटा यहाँ पे हार्ट है, मुझे एकदम नीचे तक पहुंचाना है, टो तक, यानी एकदम नीचे, यानी कि अगर मैं बोलूं लेग की एक एक मसल तक पहुंचाना, तो बेटा अगर मैं इसको तेजी से पंप करूंगा, प्रेशर खूब ज्यादा लगाऊंगा, तभी तो वो लास्ट तक पहुंच पाएगा। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो बेटा घुटने तक ही रह जाएगा और बाकी के सेल्स स्वाहा हो जाएंगी। क्लियर है जी? तो हमारे अंदर में प्रेशर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। सो प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी इज वेरी हाई। क्लियर है जी? नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रेट इज लो। यहाँ पे बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे आपका रेस्पिरेशन हो रहा हो, चाहे एक्सक्रीशन हो रहा है, काफी धीरे धीरे होता है, यानी कि मेटाबॉलिक रेट इसमें स्लो होती है। लेकिन हम लोगों के केसेस में डबल सर्कुलेशन वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, एनर्जी नीड ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई उनका मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगा बेटा, उतनी ही तेजी से आपको ब्लड को पंप करना होगा उनके सारे नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट स्लो है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट काफी हाई होगी। ये सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है आपके पाइसेस या फिसेस में, डबल सर्कुलेशन कल भी बताया था, ये बेसिकली पाया जाएगा आपके बर्ड्स में, मैमल्स में, एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में फोर चेंबर हार्ट पाया जाता है। क्लियर है जी? तो ये कुछ बेसिक बेसिक से डिफरेंस है बिटवीन, किसकी बात करें बेटा जी, अगर बात करें सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक दो टर्म, अगर आप देखेंगे वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स, ये कुछ टर्म्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, थोड़ा उसको समझेंगे, फिर हम मेजर डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। चले दोस्तों देखते हैं डबल सर्कुलेशन, एक बार तो हमने पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पे आसानी से आपको एक बार और बता देता हूँ, और कुछ डिफरेंसेस जो मुझे बताने थे कि कैपिलरीज फर्दर डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में भैया, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स, ठीक है जी, उसको बताएंगे। देखिए ये है लंग्स, लंग्स की कैपिलरीज, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से इंटेक किया जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इट विल बी टेकन बाय द पल्मोनरी वेन, जो एक ही वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, इन द लेफ्ट एट्रियम। फ्रॉम दिस लेफ्ट एट्रियम द ब्लड इज पंप्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट पासेस थ्रू द वेल्व दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वेल्व, या इसी को मिट्रल वेल्व भी कहा जाता है। याद रखिएगा बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व भी इसको कहते हैं। फ्रॉम दैट लेफ्ट वेंट्रिकल दिस ब्लड विल बी, जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, दिस ब्लड विल बी मूव टुवर्ड्स द एवोटा, जो लार्जेस्ट आर्टरीज होते हैं उसको बोलते हैं एवोटा। एवोटा से ये अगेन पासिस आउट टू द स्मॉल आर्टरीज, आर्टरीज में जाएंगी, चूंकि आर्टरीज की जो वॉल है वो थोड़ा थिक है, ये लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी हुई है, तो ये थोड़ी थिक है, तो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है। तो ये जब ऑर्गन के अंदर में घुसता है तो ये आर्टरीज जो होता है फर्दर बाइफर्केट करके कुछ स्मॉल या थिन कहेंगे, थिन सेल लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाता है, दैट इज नोन एज आर्टेरियोल्स। देखो बेटा जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, थिक वॉल होगी उतना ज्यादा एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे वन सेल थिक, यानी कि जो कैपिलरीज को हमने पढ़ा था कि वन सेल थिक, ये जो पूरी कैपिलरीज होती हैं ये एक सेल थिक होती है, यानी एक सेल थिक काफी थीन हुआ बेटा, वन सेल थिक। जैसे मान लो देखो क्या मैंने बोला, ये है कैपिलरी, मान लो इसमें केवल एक ही सेल है, दोनों साइड, वन सेल थिक बोला लेकिन एक थीन होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आर्टरीज, देखिए इधर भी इसकी सेल होंगी, इधर भी इसकी सेल होंगी, बीच में भी सेल होंगी, यहां भी सेल होंगी, यहां भी सेल होगी, तो आर्टरीज तो काफी थिक हो गई ना बेटा, बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन कैपिलरीज वन सेल थिक होती है, यानी बहुत ही पतली होती है। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर क्या होगा, पतला होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल्स बहुत ही आसानी से होगा। अगर वॉल मोटी है तो बेटा अंदर से बाहर जाने में ब्लड को टाइम लगेगा, तो यहाँ पे जो आर्टरीज होती है वो फर्दर बाइफर्केट होके इसमें टूट जाती है आर्टेरियोल्स, और ये आर्टेरियोल्स किसका पार्ट है बेटा जी,
कैपिलरीज का, किसका है, कैपिलरीज का, जो कैरी कर रहा है कौन सा ब्लड बेटा जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम होता है आर्टेरियोल्स का, किसका बेटा, आर्टेरियोल्स का। अब मान लीजिए सेल ने यूटिलाइज कर लिया तो सेल प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी अगेन टेकन बाय द कैपिलरीज, अ स्पेशल टाइप ऑफ कैपिलरीज दैट इज नोन एज वेन्यूल्स, उनको हम लोग बोलेंगे बेटा वेन्यूल्स, जो कि थिन होगी, ये भी आर्टेरियोल्स भी क्या है, वन सेल थिक है, यानी कि ऑब्वियसली थिन है बेटा, ठीक है जी। तो आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स ये दोनों वन सेल थिक होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वन सेल थिक मैं बोल रहा हूँ, यानी बेटा एक सेल से बनी हुई है, एक लेयर सेल की है तो काफी थिन मानी जाएगी, वो इतनी थिक नहीं है, तो वन सेल थिक एनसीईआरटी में दे रखा है तो उसको थिक मत मानिएगा, क्यों, क्योंकि बेटा वो थिन है, केवल एक लेयर से बनी हुई है तो थिन थिक होगी, थिक नहीं होगी, केवल क्या होगी, थिन होगी, ठीक है जी। आर्टरीज काफी थिक होती है क्योंकि बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होंगी, क्लियर है जी, तो आर्टरीज से आर्टेरियोल्स काफी थिन होगा, फिर यहाँ वेन्यूल्स ये भी क्या होगा बेटा, काफी थिन होगा, यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी है, तो अब ये वेन्यूल्स कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, फिर बहुत सारे वेन्यूल्स कंबाइन होंगे और ये ओपन होंगे बेटा वेन्स में, मान लीजिए कोई वेन मेरे लेग से आ रही है, कोई वेन मेरी किडनी से आ रही है, तो बहुत सारी वेन्स हो गई जो क्या कैरी कर रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये वेन्स जो बहुत सारी वेन्स होती हैं ये कंबाइन होके एक मेजर वेन को बनाती है, दैट इज नोन एज वेना कावा, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, कौन का, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस पढ़ा है ना जी, ठीक है, उसमें खुलेगी, फिर ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अलग अलग पार्ट से आएंगे, ऊपर से नीचे से हार्ट की वॉल से, सब कुछ खुलेगा राइट एट्रियम में, फ्रॉम दिस राइट एट्रियम ब्लड, जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, तब ये पास होगा एक वेल्व से, दैट इज नोन एज द ट्राइकस्पिड वेल्व, जो वेल्व होते हैं बेटा ये कस्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे दो कस्प होंगे तो बाइकस्पिड वेल्व बोल दिया, यहाँ पे तीन कस्प लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो ट्राइकस्पिड वेल्व बोल देते हैं, कस्प मतलब गड्ढा जैसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, फिर फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल ब्लड विल बी टेकन बाय द पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स कैपिलरी के पास में फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो आपने देखा कि भैया कैपिलरीज कितने वन सेल थिक है, यानी काफी थिन होगी, ठीक है ना, तो कैपिलरीज दो भागों में बांटी हुई है, आर्टेरियोल जो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्यूल जो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टेरियोल्स किससे टूट के बनी हुई है, बाइफर्केट होकर बनी हुई है, आर्टरीज से, और ये वेन्यूल्स किस में जाके खुलेंगी, आपके वेन्स में, क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा इस बात को। जब हम देखेंगे बेटा जी तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पे दो प्रकार का सर्कुलेशन है, एक को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरे को कहते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी जो सर्कुलेशन लंग से रिलेटेड होगा दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सुनिए जरा, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, गया कहाँ पे, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तब ये बॉडी में जाता है, सिस्टम में आपके जाता है, हमारे सिस्टम में जाता है, फिर वो सिस्टम यूटिलाइज करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसे प्रोड्यूस होके वो सिस्टम से ही कार्बन डाइऑक्साइड आके आता है आपके राइट एट्रियम में। सुनिएगा ध्यान से, मैं मार्क कर रहा हूं यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम तक, क्या मैंने बोला, लेफ्ट, ये दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके ये पूरा आके यहां पे राइट एट्रियम पे आपको रुकना है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम के बीच में जितना जो सर्कुलेशन है वो कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा, तो मैं वन वन से मार्क कर दे रहा हूं, ये हो गया वन और ये हो गया वन, ठीक है जी। तो वन वन का मतलब पहला सर्कुलेशन, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो स्टार्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से और एंड होगा राइट एट्रियम पे। देखिए मैंने लिखा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल
दिख रहा है, टू द राइट ऑरिकल्स थ्रू द बॉडी ऑर्गन्स, पास आउट होता हुआ बॉडी ऑर्गन से आएगा। तो बेसिकली अगर बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड निकला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां गया है, aorta, और चूंकि aorta पीछे की तरफ से निकलता है तो डॉर्सल aorta बोलेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट दिख रहा है, कहां से निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से, aorta कौन सा पीछे जाएगा तो पीछे वाला डॉर्सल aorta कहलाएगा, डॉर्सल aorta। फिर यहाँ पे कौन सी आर्टरी सिस्टम में जा रहा है, सिस्टमिक आर्टरीज दिख रहा है जी। फिर आपके बॉडी ऑर्गन्स यानी कि बॉडी पार्ट्स पे जा रहा है, ऑर्गन दैट इज द बॉडी पार्ट्स। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, वेंस, सिस्टेमिक वेंस। फिर ये हार्ट, हार्ट के किस पार्ट पे आ रहा है बेटा, राइट एट्रियम पे, तो यहां से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा aorta में, aorta से आर्टरीज, आर्टरी से आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स से वेनियोल्स, वेनियोल्स से वेंस, वेंस से मेनकावा, मेनकावा से राइट एट्रियम। ये पूरा जो सर्कुलेशन है That is known as systemic circulation. क्या बोलेंगे बेटा जी, वन वन यानी मैंने बताया systemic circulation. जो दूसरा circulation होगा बेटा वो कहां से start होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मैं जरा इसको start कराना चाहूंगा आपके right ventricle से, यहां से जो start होगा इसको मैंने लिखा to right ventricle से start होगा और लेफ्ट एट्रियम तक आएगा इधर से। ये मैं इधर टू लिख देता हूं, ये भी टू है, ये भी टू है, ठीक है जी। ये वाला जो इधर से आ रहा था ये वन है, आर्टरीज वाला भी जाएगा वन होगा, इधर भी जाएगा वन होगा, इधर भी आएगा वन होगा, इधर भी आएगा वन होगा और यहां तक राइट एट्रियम तक। लेकिन बेटा जी जब लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल से निकलेगा तो ये टू होगा, ये टू होगा, ये टू होगा, ये टू 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 होते हुए आपके लेफ्ट एट्रियम तक आएगा। तो चूंकि द सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे ब्लड जो होगा पंप होगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स कैपिलरीज, लंग्स कैपिलरी से फिर ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी पल्मोनरी वेन लेके जाएगी आपके लेफ्ट एट्रियम तक। तो यहां से लेके राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम तक जो पूरा सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहां पे आप देख ही रहे होगे कि एक बार ब्लड कहां से निकला, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, बट आपके हार्ट से बाहर आ गया, फिर हार्ट से बाहर से घूम के फिर से एक बार हार्ट में आ रहा है, फिर बाहर जा रहा है। तो बेटा यहां पे ब्लड दो बार पास होता है हार्ट से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन। तो दूसरा आपको समझना होगा दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जरा उसको हम देख लेते हैं। चले बेटा जी, तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट जरा लिख रखा है, जरा उसको देख लेते हैं। देखिए जो ये बाइकस्पिड वेल्व है और ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये दोनों जब आप वेल्व देखोगे तो मैंने जो बोला था जो सेप्टम पाया जाता है बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल दैट इज नोन एज द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसी सेप्टम पे ये दोनों है, ये भी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे है, ये भी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बेटा बताया था पिछली क्लासेस में जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है सेप्टम दैट इज नोन एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर है जी। अब ये जो दोनों वेल्व्स हैं बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व जिसको बोलते हैं और ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, बिल्कुल जी दिख रहा है आपको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व दोनों चीजें, ध्यान से देखिएगा बाइकस्पिड वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व दोनों मौजूद हैं आपके ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे। तो इन दोनों को मिला के एवी वेल्व बोला जाता है यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, क्या बोलते हैं बेटा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी इन दोनों को मिला के बोला जाता है। सो बाइकस्पिड वेल्व प्लस ट्राइकस्पिड वेल्व इन दोनों को मिला के बोला जाता है बेटा एवी वेल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब आ जाइए, तो सर्कुलेशन हमने पढ़ा, मैंने बोला टू सेकेंड वाला सर्कुलेशन देखेंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है राइट वेंट्रिकल से और भैया कौन लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी 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 किससे रिलेटेड है लंग से, लंग्स में लेके गई भैया लंग से, फिर वापस कौन लेके आ रही है पल्मोनरी पल्मोनरी पल्मोनरी
यानी फिर से पल्मोनरी वेन लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा ये जो सर्कुलेशन है यहाँ पे आपको पल्मोनरी 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 दिख रहा है, यानी पूरा लंग्स के थ्रू सर्कुलेशन आपको दिख रहा है और आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पूरी तरह से जो ब्लड फ्लो कर रहा है किसके थ्रू हो रहा है बेटा, लंग्स के थ्रू हो रहा है ना जी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स में, वो ऑक्सीजनेशन ब्लड करके भेज रहा है, तो ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे। इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू लंग्स, पास आउट हो रहा है लंग्स से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट लिया कहां से बेटा, राइट वेंट्रिकल से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स ने उसका क्या किया फिर से ऑक्सीजनेशन। तो भैया पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जा रही है, हार्ट, हार्ट के किस पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम के पास में। तो ये जो सेकेंड वाला सर्कुलेशन कहलाता है दैट इज नोन एज आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है जी। अब हम इसमें मेजर डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि बेसिकली आर्टरीज में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, कि वेंस में होगा, कि कैपिलरीज में होगा, कहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होगी, कहाँ पे थिनने कौन थिन होगा भैया, किसका ल्यूमेन बड़ा होगा, किसका ल्यूमेन छोटा होगा, ये सारी चीज़ें हम डील करने वाले हैं। मेजर डिफरेंसेज बिटवीन वेरियस ब्लड वेसल्स कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसको करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द मेजर डिफरेंसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ये मैंने एक आपको डायग्रामेटिक बना दिया है ताकि आप यहाँ अगर आप पढ़ लें तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके वेन से, आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी से, कुछ भी क्वेश्चन आएंगे आप इजिली डन आउट कर जाएंगे एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने ये चार्ट पढ़ा है तो। क्लियर है जी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ये यहाँ पे मैंने लिखा है फीचर्स, यानी कि कौन कौन से फीचर्स हैं, आर्टरीज में कैसे होगा, वेन्स में कैसे होगी, कैपिलरीज में कैसे होगी। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है जी। पहला है आर्टरीज, देखिए हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाना टुवर्ड्स द ऑर्गन, कौन था बेटा, आर्टरीज। पहला ध्यान, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जा रही है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स यूटिलाइज करता था कार्बन डाइऑक्साइड को, क्लियर है जी, सॉरी ऑक्सीजन को, और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय द विच वेंस, वेंस के द्वारा, और ये टुवर्ड्स द हार्ट लेके आता था, क्लियर है जी। वेंस कैरी, वेंस पढ़ेंगे, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स या वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। कैपिलरीज की बात करेंगे तो बेटा जी याद होगा कैपिलरीज के दो पार्ट, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स, मैंने बोला था ना। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज होती है आर्टरीज, आर्टरीज कैरी आउट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एक थिन सिंगल सेल थिक या थिन थिन लाइनिंग में लेके जाती है, दैट इज नोन एज द आर्टेरियोल्स। तो आर्टेरियोल्स में जो ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड, बाद में बाहर निकलता है वो क्या होता है, वेन्यूल से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड, क्लियर है जी। तो ये कैरी करती है ब्लड को आर्टेरियोल से वेन्यूल्स की तरफ, क्लियर है। दूसरा, कैरी आउट व्हाट काइंड ऑफ ब्लड, यानी कि कौन सा ब्लड लेके जाती है। तो सुनिएगा, आर्टरीज हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से टुवर्ड्स द ऑर्गन, लेकिन केवल मात्र एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है जी। देखो मैंने लिख दिया आर्टरी क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंस की बात करें, मैंने पहले बता दिया वेंस कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मात्र एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, दैट इज नोन एज द पल्मोनरी वेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब भैया कैपिलरीज की बात मैंने बता दी, आर्टेरियोल्स क्या ले रहा था बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाहर जब वेन्यूल्स निकलता था तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज कर दे रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कौन बेटा जी, कैपिलरीज, ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड आर्टेरियोल्स में था टू द डीऑक्सीजनेटेड वेन्यूल्स में, क्लियर है जी। नेक्स्ट दैट इज ब्लड प्रेशर। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए
वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रही हैं। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगी बेटा तो ब्लड बहुत तेजी से क्या करेगा बेटा, जाएगा बॉडी में। और भैया बॉडी में जब ब्लड जाएगा तो मेन एओर्टा, एओर्टा के बाद में आर्टरीज, तो प्रेशर किसके ऊपर लगता है, हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि देखो ब्लड आपका ब्लड फ्लो यहां से हो रहा है हार्ट के पास से, लेके जाना है आपके एकदम टो तक, यानी कि आपके जो पैर है उसकी एक एक सेल के पास पहुंचा है, बहुत दूरी है भैया, तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा, तभी तो वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच पाएगा ना भाई जी, क्लियर है जी। तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बेटा कहां पे, क्योंकि यहां पंपिंग हो रही है ब्लड की वेंट्रिकल्स के द्वारा, हार्ट के द्वारा, दैट्स व्हाई आर्टरीज के अंदर में ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई होता है। लेकिन बेटा ऑर्गन जैसे मान लो किडनी हो गया, वहां कोई पंपिंग ऑर्गन है क्या, धनाधन कर रहा है क्या, तो वहां तो नहीं है। मान लो लंग्स, मान लो स्टमक में गया तो क्या वहां पे कोई पंप कर रहा है क्या, धनाधन नहीं है। तो वहां पे जब वेन्स कैरी करेंगी ब्लड को, ठीक है जी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से लेके आएंगी वापस हार्ट के थ्रू, तो वहां पे कोई ऐसा नहीं है जो ब्लड को पंप करा रहा है। तो बेसिकली वहां पे फ्लो जो होगा काफी क्या होगा, प्रेशर काफी क्या होगा, कम होगा इन केस ऑफ वेन्स, क्लियर है जी। और कैपिलरीज में ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि बेटा वहां पे बेसिकली हमें एक्सचेंज कराना है गैसेस का, तो जितना ज्यादा प्रेशर कम रहेगा उतना ज्यादा एक्सचेंज हो पाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, एक्सचेंज उतना ज्यादा हो पाएगा। प्रेशर इज हाई इन केस ऑफ आर्टरीज, प्रेशर इज लो इन केस ऑफ वेन्स, प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, बहुत कम होगा लो प्रेशर के साथ में जाएगा, क्योंकि धीरे 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 जब पास होगा तो एक्सचेंज होगा ज्यादा, क्लियर है जी। नेक्स्ट ब्लड फ्लो, ओके जी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आर्टरीज में ब्लड फ्लो बहुत झटके से होता है, जग के साथ में होता है, बहुत तेजी से होता है। सो ब्लड फ्लो रैपिडली विथ जग्स, यानी जग्स मतलब झटका लगेगा आर्टरीज की वॉल्स पे। यहाँ पे वेंस में कोई ज्यादा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि और भैया ऑर्गन के पास में क्या कोई पंपिंग और पंपिंग चीज है क्या जिसको पंप करे, नहीं है ना, तो वहां काफी कम झटका लगेगा। ब्लड फ्लो स्मूथली फ्लो करेगा विदाउट एनी जग्स, बिना झटके के ब्लड फ्लो यहाँ भी कैपिलरीज में भी स्मूथली मूव करेगा विदाउट एनी जग्स। लेकिन बेटा जब ल्यूमेन की बात आती है, ल्यूमेन मतलब होता है बेसिकली जैसे पाइप है, जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है, मान लीजिए आर्टरी की पाइप है, तो ये जो उसका डायामीटर है, जो डायामीटर है ना ये वाला, इसी को बोलते हैं बेटा ल्यूमेन, क्या बोलते हैं ल्यूमेन। तो जो आर्टरीज का ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, यानी कि पतला होगा, ठीक है जी। जो तो इसके ऊपर आर्टरीज, देखिए आर्टरीज का ल्यूमेन काफी पतला है, तो मान लीजिए इधर से ब्लड आया, देखिए ब्लड आया तो बेटा प्रेशर ज्यादा लगेगा आर्टरीज की वॉल्स पे, इसीलिए इसका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई। लेकिन बेटा जी जब आप ल्यूमेन देखेंगे वेन्स का, तो ल्यूमेन काफी बड़ा है, वाइड है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ब्लड आ रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि यहाँ ल्यूमेन काफी क्या है, बड़ा है, तो बेटा ब्लड प्रेशर इज लो। लेकिन यहाँ पे ल्यूमेन क्या होगा बेटा, काफी क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल इन केस ऑफ आपके बेसिकली अगर बात करेंगे किसको बेटा, आपके कैपिलरीज में जहां पे बहुत ज्यादा स्मॉल ल्यूमेन होगा, तो बेटा ड्यू टू, और यहाँ पे फ्लो काफी धीरे धीरे होता है ताकि एक्सचेंज हो सके, किस लिए बेटा सॉरी यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ल्यूमेन काफी छोटा होगा, तो बाहर में जो सरफेस एरिया ज्यादा, यहाँ पे देखिए बाहर में ल्यूमेन काफी छोटा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना आसानी से एक्सचेंज होगा, तो बेटा मुझे एक्सचेंज ही तो कराना है कैपिलरीज में, तो यहाँ पे ल्यूमेन काफी छोटा है लेकिन सरफेस एरिया बड़ा है, ज्यादा है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी ज्यादा होगा, क्लियर है जी। अरे क्लियर है जी। नेक्स्ट आपका बचा बेटा वेल्व्स, तो उसको भी कर लेते हैं थोड़ा। तो दो और बचे वेल्व्स, मैंने बताया भी दिया है बेटा वेल्व्स बेसिकली क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, उल्टा डायरेक्शन में नहीं जाने देते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराते हैं। तो बेसिकली अगर बात करेंगे बेटा वेल्व्स की, तो आर्टरीज की अगर बात करें तो कोई भी वेल्व नहीं पाए जाते, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे इतना तेजी से, इतना जग से, इतना प्रेशर से ब्लड जा रहा है कि पीछे आने के चांसेस ही नहीं है, सारा ब्लड कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। आप एओर्टा की बात छोड़ दीजिएगा, वहां सेमिलुनर वेल्व होता है, क्लियर। मैं आर्टरीज की बात कर रहा हूँ, तो आर्टरीज में
कोई भी वेल्व नहीं होगा, नो वेल्व्स। लेकिन बेटा जी जब हम बात करेंगे वेंस की, तो बेटा जब वेंस की हम बात करेंगे तो वहां पे चांसेस होता है, क्योंकि ब्लड धीरे धीरे आपका मूव कर रहा है। देखिए अब ये मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, हार्ट की तरफ आ रहा है, तो बेटा ड्रॉप आउट करके पीछे की तरफ जा सकता है। इसीलिए वेंस के अंदर में वेल्व्स पाई जाती हैं जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि वहां कोई प्रेशर तो नहीं लगा रहा ना बेटा। ऑर्गन, ऑर्गन से आपको राइट एट्रियम पे लाना है, जैसे मान लो किडनी, किडनी से आपकी वेंस लेके आ रही है राइट एट्रियम पे, तो बेटा वहां पे तो पीछे कोई उसको फोर्स करने वाला नहीं है ना, उसको जग करने वाला तो नहीं है ना, उसको प्रेशर देने वाला नहीं है ना। तो बेटा जी चांसेस होते हैं कि बैक फ्लो हो जाए, इसीलिए वेंस के अंदर में पाई जाएंगी बेटा वेल्व्स, यहां पाई जाएंगी वेल्व्स, और आपके कैपिलरीज में भी कोई वेल्व्स नहीं पाई जाती है। तो यहां भी लिख लीजिएगा नो वेल्व्स, लेकिन वेल्व्स केवल और केवल पाई जाती है आपके वेंस के अंदर में टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब हम देखेंगे बेटा लोकेशन की बात करोगे, यानी बेसिकली कहां मौजूद होते हैं। सुनिएगा, आर्टरी जो होती है बेटा, आर्टरी सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए आर्टरी, सपोज करिए आर्टरी, पहले तो ये जान लीजिए आर्टरी बेसिकली डीप इनसाइड द स्किन होती है, हमारे बॉडी का जो स्किन है उसके काफी नीचे रहती है, आपके अंदर में पाई जाती है, डीप सीटेड होती है एकदम अंदर में। और जो वेंस होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, यानी जो आप ये देख पा रहे हैं ये जो नसें आपको दिखती हैं ये आपके आर्टरीज नहीं है, ये क्या है बेटा वेंस है। क्या है? वेंस है। और जो आपके कैपिलरीज होंगी वो एक नेटवर्क बना रही होंगी ऑल ओवर द बॉडी एंड इन द ऑर्गन। अब सपोज करिए, पहले इसको लिख लेता हूं लोकेशन, मोस्टली डीप सीटेड यानी काफी अंदर में सीटेड होगा स्किन के अंदर में, मोस्टली सुपरफिशियल होगा। सुपरफिशियल का मतलब क्या हो गया, आपके स्किन के पास में होगा, और ये कैपिलरीज तो एक नेटवर्क ही बना लेती है ना, आर्टेरियोल्स का, वेन्यूल्स का, किसमें आपके ऑर्गन के अंदर में एक नेटवर्क बना लेती है। फॉर्म अ नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी एंड इन द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में ये एक नेटवर्क की तरह फैला होगा। अब अगर मान लीजिए बेटा जी आपकी आर्टरीज अंदर ना होके बाहर होती, तो बेटा जी जैसे ही कोई कट लगता है सपोज करिए, तो बेटा लार्ज फाउंटेन की तरह ब्लड कैसे दनादन दनादन बाहर निकल रहा होता है कि नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपको बचाने के लिए भगवान ने क्या किया है, आर्टरीज को अंदर रखा, क्योंकि लोग क्या करते हैं नसें काट लेते हैं ना प्यार में, तो जैसे ही नसें काटते हैं तो वो नसें वेंस काटते हैं, और वेंस में प्रेशर क्या है कम, तो ब्लड धीरे धीरे आता है बाहर, और चांसेस होते हैं कि ले जाओगे तब तक बच जाएगा आसिक, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर सपोज कर लीजिए आर्टरीज अगर बाहर रहती, जैसे कट मारा धनाधन ब्लड लार्ज फाउंटेन की तरह बाहर निकलता और राम नाम सत्य हो जाता दो चार मिनट में, क्लियर है जी। इसीलिए भगवान ने आपको दे रखा है कि भैया आर्टरीज कहाँ रहेंगी, अंदर, क्योंकि बच्चों का ठीक नहीं है तुरंत हाथ काट लेते हैं, और जो वेंस होगी मोस्टली सुपरफिशियल होंगी, और जो आपका कैपिलरीज होगा ये एक नेटवर्क बनाता है ऑल ओवर द ऑर्गन्स, क्लियर है जी। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर किस तरह से होता है, और मैं दो साउंड बताऊंगा जिसको आपको याद कर लेना है, लव एंड डब साउंड, ठीक है जी, जो दो साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट में मैं बताऊंगा कैसे होगा, क्लियर है जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर, क्लियर है, तो इसको नोट डाउन करेंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर। चलिए बेटा जी पहले ब्लड प्रेशर पढ़ने से पहले हमें दो टर्म जानना बड़ा जरूरी है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, What is this systole? What is this diastole? And they are not remembering this term. देखो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, systole is basically contraction of muscle और diastole means relaxation.
तो सिस्टोल का मतलब होगा बेटा कंट्रेक्शन, जो आपकी हार्ट मसल अगर कंट्रेक्ट कर रही है दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वो रिलैक्स कर रही होंगी दैट इज नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर, यानी जो प्रेशर वो लगाएंगी आपके वॉल्स पे दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ये हम देखते हैं ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड, जैसे मान लीजिए ये ब्लड है, ब्लड मूव कर रहा है किसी आर्टरी से या वेन से, तो ये ब्लड कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है उसकी वॉल पे, आर्टरी की वॉल पे, वेन्स की वॉल पे कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर, यानी कि प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज और वेन्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर, और ये बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ आर्टरीज देन इन द वेन्स, ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन दैट ऑफ द वेन्स। मैंने पहले भी बताया था क्यों, देखिए ये है आर्टरी, आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, नैरो यानी पतला है, तो यहाँ पे जब ये ब्लड जाएगा बेसिकली, अगर ध्यान रखिए देखिए छोटी सी कोई गली है उसके अंदर में आप केवल टू व्हीलर ले जा सकते हैं, लेकिन आपने ट्रक ले जाए ले गया होगा, ट्रक जा पाएगा क्या, ट्रक फंस जाएगा, यानी अब मान लो आप जबरदस्ती ले जाओ तो जबरदस्ती ले जाओगे अगल बगल की दीवारें क्या हो जाएंगी, टूट सकती है ना, यहाँ नहीं बेटा जी, आपका जो ल्यूमेन है काफी नैरो है, तो जो आपकी गाड़ी है जो जा रही है ब्लड जा रहा है वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है वॉल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन क्या छोटा है, डायमीटर क्या छोटा है, तो जब उधर से मूव करेगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या लगेगा ज्यादा, सो यहाँ पे आर्टरी के अंदर में ब्लड प्रेशर क्या हो गया ज्यादा, क्योंकि उसका ल्यूमेन क्या है छोटा। लेकिन जब हम बात करेंगे वेन्स की बात करेंगे तो ल्यूमेन आपको दिख रहा होगा काफी वाइडर है वेन्स के किस में, तो यहाँ पे ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा, धीरे धीरे वॉल पे प्रेशर भी कम लगाएगा, दैट्स व्हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम होता है। इन दोनों बातों को जरा आप लिख लीजिए ध्यान से, फिर हम पढ़ेंगे वेंट, क्योंकि अभी आपने बता दिया सिस्टोल का मतलब कंट्रेक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, तो जब मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रेक्ट कर रहे हैं, जब मैं बोलूंगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं, क्लियर है जी, सुनो डाउन करेंगे बेटा फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी देखिए पहला जो दे रखा है दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन। देखिए ये मैंने आपका डबल सर्कुलेशन बना रखा है कि लंग से पल्मोनरी वेंस ऑक्सीडेटिव ब्लड लेके आ रही है आपके लेफ्ट एट्रियम में, फिर ये आपका द बाइक का स्पीड वेल्व से पास होते हुए जाएगी, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में है मान लीजिए, क्लियर है, पूरी बॉडी से वेंस ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी किया है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से जो ब्लड है आपके राइट वेंट्रिकल में आया हुआ है। तो बेटा जी जब वेंट्रिकल का कंट्रेक्शन होगा, वेंट्रिकल्स का कंट्रेक्शन दोनों की बात कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों जो वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जब कंट्रैक्ट करेगा तो भैया ये ब्लड को किधर मूव कराएगा, एओटा में, ताकि उसको बॉडी में सप्लाई करना है ना ऑर्गन में, तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वेल्व है एओटिक सेमी ल्यूनर वेल्व है ये ओपन कर जाएगी और ये ब्लड एओटा से होते हुए आपके ऑर्गन के पास में पहुंच जाएगा। लेकिन बेटा जी यहीं पे एक और खतरा है कि बेटा जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर तो बेटा दिन देर में भी चांस कि भैया ब्लड जो है बैक फ्लो में चला जाए, पीछे चला जाए, तो इस टाइम क्या हो जाती है बाइक का स्पीड वेल्व क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी, क्लियर है जी। ये जब यहां आप देखोगे राइट वेंट्रिकल में भाई यहां भी प्रेशर लग रहा है, तो राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास पहुंचेगा, तो यहां पे भी वेल्व होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व, क्लियर है जी। तो यहां पे जो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व होगी जैसे ही आपके राइट वेंट्रिकल में प्रेशर लगेगा पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व ओपन हो जाएगी, ब्लड इधर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कवर करके मूव करते हुए आपके लंग्स के पास पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा जी चांसेस है कि जब ये कंट्रैक्ट कर रहा है राइट वेंट्रिकल तो ये ब्लड फ्लो बैक चला जाए, तो यहाँ पे ये जो बाइक ट्राइकस्पिड वेल्व होगी ये ट्राइकस्पिड वेल्व भी क्या हो जाएगी
क्लोज हो जाएगी टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। यहाँ पे बाइक का स्पीड वेल्व क्या हुई थी, क्लोज हो जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग नहीं होता बेटा, सुनिएगा। तो जब आप देखोगे तो दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेक्ट कर रहा है तो भी ब्लड कहाँ जा रहा है, आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल कंटेक्ट कर रहा है तो भी ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। सो याद रखिए, जब बेटा जी आपके वेंट्रिकल्स में कंट्रेक्शन होगा तो ब्लड बहुत तेजी से मूव करता है इनटू द आर्टरीज या इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। तो बेटा आपका सेमिलूनर वेल्व, चाहे आपका एओर्टिक वाला हो चाहे आपका पल्मोनरी वाला, दोनों ओपन कर जाते हैं। और कौन ऐसे दो वेल्व हैं जो बंद हो रहे हैं जब दोनों तरफ के वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक जो लेफ्ट की तरफ आपको दिख रहा है बाइकस्पिड वो भी बंद हो रहा है और ट्राइकस्पिड दोनों बंद हो रहा है। तो जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी में। कहाँ जाएगा, चाहे पल्मोनरी आर्टरी में जाए चाहे आपके मेन बॉडी वाले में आर्टरी में जाए। तो ब्लड जब कंट्रेक्शन होता है, वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो ब्लड बहुत तेजी से आपकी आर्टरीज में या पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और इस समय बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए आपके दोनों वेल्व बंद हो जाते हैं तुरंत, जैसे ही आपके ये वेल्व बंद होंगे। कौन से, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व, दोनों को मिला के क्या बोला था, अभी बोला था, याद करिए, रिस्पॉन्ड करिए बेटा जी, एवी वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बोला था ना जी। तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है एवी वेल्व। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन होता है, ब्लड आर्टरीज में मूव करने लगता है, पल्मोनरी आर्टरी में मूव करने लगता है, दो वेल्व जो फ्लिप एंड फ्लैप पोजिशन में थे, कस्प लाइक थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों बंद हो जाते हैं ताकि अब वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में ना आ पाए। तो जैसे ही ये दोनों बंद होते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, द फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट इज नोन एज लव साउंड। दिस साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दिस बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, या इन्हीं को बोला जाता है एवी वेल्व। यहाँ पे याद रखना, सेमिलूनर वेल्व जो ओपन हो रहा है उनकी वजह से साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो लव साउंड प्रोड्यूस होता है ये ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही आपका ब्लड बहुत तेजी से वेंट्रिकल से ट्रांसफर होगा आर्टरीज में, यहाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मली मेजर किया जाता है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mm of Hg। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कंट्रेक्शन इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg। At beginning of ventricular systole, यानी कि ventricular का क्या हो रहा है, contraction start हो रहा है, a sound is produced that is known as love sound। क्या बोलते हैं बेटा, love sound, जो कि पहला sound होता है आपके heart का। This sound is produced due to closure of, क्या closure ही है, tricuspid और bicuspid valve, इन दोनों को मिला के क्या बोलते थे, AV valve। तो AV valve is basically atrioventricular valve is combination of bicuspid valve प्लस ट्राइकस्पिड वेल्व। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी, देख पा रहा है आपको। तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm of Hg होता है, इसके बाद फिर क्या होगा, यही वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। क्या होंगे बेटा जी, रिलैक्स होंगे, तो वहां पे प्रेशर थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, थोड़ा कम होता है, 80 mm of Hg हो जाता है। अभी हम देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करिए आप। तो यहां हमने एक चीज आपको बताई कि भैया देखिए, जब लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड मूव कर रहा है एओर्टा या आर्टरी में, और ये भी जो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड मूव कर रहा है आपके कहां पे बेटा जी, पल्मोनरी आर्टरी में। इसको लिख लीजिएगा ब्लड करके, ठीक है जी। यहाँ पे ब्लड बाहर जा रहा है आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से, लेकिन जब रिलैक्स होगा तो ब्लड उसके अंदर में क्या होगा बेटा, भरने लगेगा। मैंने पहले भी बताया था कि रिलैक्सेशन के समय में ब्लड उनके अंदर में क्या होगा, फिल हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन फेज। चलिए दोस्तों, देखते हैं द सेकेंड वन, दैट इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या इसी को बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। देखिए जब क्या होगा, जब सारा ब्लड इसने पंप कर दिया लगभग आपके आर्टरीज में, आपके पल्मोनरी आर्टरीज में, अब ये जो होगा, जो वेंट्रिकल्स होंगे वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे।
यानी अब इनमें ब्लड ऊपर से नीचे भर रहा होगा। तो जब ये रिलैक्स पोजिशन में कब आए हैं बेटा, इन्होंने सारा ब्लड कहाँ डाल दिया, तो यहाँ पे जो आर्टरीज होंगी या अयोटा होगा, यहाँ पे प्रेशर पी से दिखा रहा हूँ, प्रेशर ज्यादा है यहाँ, क्योंकि वहां वॉल्यूम भी क्या है ज्यादा है। ऑब्वियसली जब आप देखेंगे तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा ब्लड अभी हमने क्या किया है, पंप आउट किया है, तो वहां पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी, प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन अब धीरे धीरे जब ये रिलैक्स कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर यहाँ पे काफी कम है। यहाँ पे ऊपर से जब देखिए, जब क्या होगा आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, जब ये रिलैक्स पोजिशन में होगी, तो ऊपर से मैंने बोला था ना फीलिंग होती है, ऊपर से ब्लड आएगा नीचे। ठीक है जी, ब्लड जब नीचे आएगा, ठीक है बी से दिखा देता हूँ, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा होगा, लेकिन धीरे अभी तो आ रहा है ना बेटा, तो धीरे धीरे प्रेशर यहाँ पे क्या है, काफी कम। और भैया यहाँ पे प्रेशर क्या है, आर्टरीज या एओर्टा में प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर है कम, यहाँ है प्रेशर ज्यादा। तो यहाँ पे जब ये रिलैक्स होने वाले होते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय में, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, तो एक चांस होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज की वॉल में जो प्रेशर है ज्यादा है, तो ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए। अरे हो सकता है ना, यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि सारा ब्लड तो चला गया बाहर, अब धीरे धीरे फीलिंग हो रही है। तो बेटा प्रेशर ज्यादा कहाँ है आर्टरीज में, प्रेशर कम कहाँ है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में, तो बैक फ्लो हो सकता है। इसलिए जैसे ही आपका स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होगा, यानी कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे, तुरंत ये जो सेमी ल्यूनर वेल्व होती है, चाहे एओर्टिक हो चाहे आपकी ये वाली हो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व्स हो, दोनों क्लोज कर जाती हैं। ताकि यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे कम है, क्योंकि ब्लड तो चला गया इसमें, यहाँ ब्लड ज्यादा है या आपके पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ पे प्रेशर है ज्यादा। क्लियर है जी, तो प्रेशर ज्यादा से प्रेशर कम के थ्रू आपका ब्लड जा सकता है, तो ये तुरंत क्या कर जाते हैं, बंद कर जाते हैं। तो जब ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व और आपका एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व बंद कर होते हैं, ड्यू टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड टू द राइट वेंट्रिकल, तो बेटा जी एक और साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डब साउंड। तो ये जो डब साउंड प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व, दोनों वेल्व पल्मोनरी या एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व। जो नॉर्मल प्रेशर यहाँ पे होता है आपके बेसिकली अगर बोले आपके यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो हम लेते हैं आपके आर्टरीज में होगा, वो थोड़ा कम होता है, 80 mm Hg होता है। तो जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो होगा 80 mm Hg। द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में, दैट इज नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 80 mm Hg एट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे, अ साउंड इज प्रोड्यूस दैट इज नोन एज द डब साउंड। दिस साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व, यानी दोनों सेमी ल्यूनर वेल्व, चाहे आप बात करें पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व की बात करें, चाहे आप बात करें दूसरी जो कि एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व, इन दोनों के क्लोज होने से आपको एक साउंड मिलता है, दैट इज नोन एज द डब साउंड। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो हम नापते हैं, देखेंगे आप, वैसे तो मुझे कभी समझ नहीं आया, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे कोई एक बांध देता है, कोई कपड़े का रहता है, और उसके बाद एक ट्यूब रहती है जहाँ पे फुस फुस हवा को भरता है, और उसके बाद लाइनिंग को देखना स्टार्ट कर देता है, और फिर क्या लगा लेता है आपका स्टेथोस्कोप भी लगा लेता है और टेस्ट करता रहता है, तो साउंड को सुनने की कोशिश करता है, लब एंड डब साउंड स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। क्लियर है जी। सो यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो बेसिकली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर नापा जाता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 बताया आपने, डायस्टोलिक 80 होगा, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर यही है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा अपर, यानी कि बेसिकली अगर बात करें सिस्टोलिक प्रेशर, उस समय ज्यादा प्रेशर होगा 120 mm Hg, और जब बात करेंगे आपके डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज द 80 mm Hg। क्लियर है जी, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर।
मीटर, क्या होता है बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर। दोनों कंडीशन बड़ा हार्मफुल है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, यानी कि जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो बेटा खतरा होता है कि क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स क्या हो सकती है, फट सकती है प्रेशर ज्यादा होगा तो। और दूसरा अगर हाइपोटेंशन है यानी कि ब्लड प्रेशर कम है तो बेटा हार्ट से आपका जा तो रहा है ब्लड, लेकिन आपकी लास्ट वाली सेल्स ब्रेन की सेल्स या टो की सेल्स के पास में नहीं पहुंच पाएगा, तो दोनों कंडीशन खराब होती है। तो एक कंडीशन आपके दे रखी है कि हाइपरटेंशन अगर होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो इस बात को लिख लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे द लिम्फ, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम नहीं दे रखा है, पूरा लिम्फ दे रखा है, उसको हम कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सो लास्ट पॉइंट जो दे रखा है यहाँ पे आपका, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, देखिए हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होगा, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है आपका 120 mm of Hg, चूंकि इसमें मर्करी का मूवमेंट होता है इसलिए Hg है, और नीचे वाला है 80 mm of Hg। अगर इनसे ज्यादा हो गया यानी बेटा जी आप हो गया मान लो 140 mm of Hg हो गया, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये मान लो 100 mm of Hg हो गया, तो ये ज्यादा हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम लोग बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर HBP। अगर मान लीजिए इससे कम हो गया, मान लो बेटा आपका सिस्टोलिक प्रेशर 100 mm of Hg हो गया, क्लियर है जी, और नीचे वाला 60 mm of Hg हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर LBP, लो ब्लड प्रेशर HBP, हाई ब्लड प्रेशर। और ये जो 120 ये है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर NBP, क्लियर है जी। तो हाई ब्लड प्रेशर जब होगा दैट इज नोन एज द हाइपर टेंशन एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन, यानी बेटा आपकी आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन हो गया, आर्टरीज एकदम दब गई है, तो बेटा प्रेशर और ज्यादा लगेगा ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज और आर्टेरियोल्स, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा आपके आर्टेरियोल्स में। तो भैया ये आर्टेरियोल्स काफी पतली होती हैं, फटने के चांसेस क्या होते हैं यहाँ पे ऑर्गन के अंदर में आर्टेरियोल्स है, तो आर्टेरियोल्स काफी पतली होती हैं, जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो फट जाएंगी ना बेटा। कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस to blood flow it can lead to rupture भी हो सकती है भाई ब्लड प्रेशर, rupture lead to the rupture of an artery, एक आर्टरी रप्चर भी कर सकती है एंड इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्लियर है जी, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर है। अब हम लिम्फ को पढ़ेंगे, छोटा सा पार्ट दे रखा है उसको कंसीडर करते हैं, लिम्फ क्लियर है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चलिए बेटा जी देखते हैं लिम्फ, ठीक है जी। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ा बना है, ये कोई एक ऑर्गन है, क्लियर है जी। ऑर्गन में ये जो आ रही है ये लंबी सी दिख रही है बेटा, ये आर्टरी है जो जिसकी वॉल काफी क्या होती है, थिक होती है, और इस आर्टरी के अंदर में बहुत सारी चीजें होती है, जो ब्लड है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बहुत सारी चीजों को कैरी करता है, RBC WBC ऑक्सीजन, ब्लड पूरा ब्लड ही होगा, प्लाज्मा, ठीक है, लार्ज प्रोटीन स्मॉल प्रोटीन,
ग्लूकोज, ये सारी चीजें आपके आर्टरीज के अंदर में जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर में रहती है। जब ये आर्टरीज आपके ऑर्गन के इनसाइड में क्या करती है बेटा, घुसती हैं, तो वहां पे स्मॉल ब्लड वेसल्स में टूट जाती है, जिन्होंने कैपिलरी जो कि काफी थिन होती है, वन सेल थिक होती है, तो ये यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स मौजूद होते हैं कैपिलरीज में, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के माध्यम से सम अमाउंट ऑफ द दिस ब्लड, यानी कि कुछ कंस्टिट्यूएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज, वो ये कैपिलरी में जो घुसते हैं, तो कुछ जो होगा ब्लड का कंपोनेंट ये कैपिलरी के थ्रू लीक करके आपके आ जाता है टिश्यू। भाई ऑर्गन है, ऑर्गन की जो उससे बेसिकली छोटी छोटी यूनिट होगी उसको टिश्यू कहते हैं, बाहर में निकल के आ जाता है। क्या क्या बाहर निकल के आता है बेटा, इससे बाहर निकल के आ जाता है प्लाज्मा, इससे बाहर निकल के आ जाता है बेटा जी आपका ग्लूकोज, इससे बाहर निकल के आ जाता है बेटा ऑक्सीजन, इससे कुछ अमाउंट ऑफ लीकेज होता है बेटा जी कुछ WBC का, ठीक है जी, विजिबल है आपको, क्लियर है जी, WBC, ग्लूकोज, देन ध्यान से देखिएगा, WBC, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, ये लीक करके कैपिलरी से आपके आ गए जहां पे आपके सेल्स दिख रहा है उसके आसपास वाले रीजन में। WBC आपके हो गए, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी हो जाते हैं आपके, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहां से लीकेज होके आ गए आपके स्मॉल प्रोटीन्स, थोड़ा इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये ऑर्गन ही है, ऑर्गन बना देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ ऑर्गन, तो क्या लिख करके यहाँ पे आया स्मॉल प्रोटीन्स, बड़े प्रोटीन तो नहीं आ पाएंगे, तो बचा क्या, देखिए बचा क्या, तो भैया RBC नहीं आया, ग्लूकोज भी तो आ गया, ऑक्सीजन भी तो आ गया, लार्ज प्रोटीन्स नहीं आया, यानी RBC और लार्ज प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो लीक करके आपके चले जाते हैं जो ये सराउंडिंग रीजन है जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। ये बेसिकली सेल्स इज बेसिकली जब कंबाइन होती है तो टिश्यू बनता है, तो आउटसाइड ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो यहाँ पे पूरा रीजन दिख रहा है आपको इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके जी। तो ये जो कैपिलरीज लीकी होती हैं, यहां से लीकेज हो जाता है प्लाज्मा, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, WBC, स्मॉल प्रोटीन, ये लीक आउट करके कैपिलरी से आपके टिश्यू फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। फिर जब कुछ समय बाद बेटा जी ये कंबाइन होके बनाते हैं बेटा वेंस, आखिर ये कैपिलरीज टूटती हैं वेंस में, ठीक है जी, तो इनका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इनका केवल 30% आपका वेंस में जाता है, 30% कंटेंट जो होगा इनका, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगी ना उसका केवल 30% आपके डायरेक्टली वेंस में चला जाता है। लेकिन बेटा जी जो 70% होता है वो ये ओपन करता है इनटू अ कैपिलरीज दैट इज नोन एज, इनको हम बोलते हैं बेटा जी लिम्फ कैपिलरीज, जो आपके 70% जो होगा टिश्यू फ्लूइड, 70% जो होगा टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, देखो 30% तो ये डायरेक्टली चला जाएगा वेंस में, लेकिन बेटा जी 70% जो होगा ये जाएगा आपके लिम्फ कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज में जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो ग्लूकोज है, WBC, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, ये सब कुछ आपके एक स्पेशल स्ट्रक्चर में जाते हैं, दैट इज नोन एज द लिम्फ कैपिलरीज, और लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन होके बनाती है बेटा जी
लिम्फ वेसल, क्या बनाएगी? लिम्फ वेसल, जिनके अंदर में जो ये चीजें जो फ्लो कर रही है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, इनके अंदर में ये जो चीजें फ्लो कर रही है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा जी लिम्फ। और लिम्फ इज नथिंग बट बेसिकली अ कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन्स, एनसीईआरटी करती है, दैट कंटेन्स प्लाज्मा, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसी। तो बेटा जी ये जो आपके 70% जो पार्ट है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड का या टिश्यू फ्लूइड का, ये जाता है लिम्फ कैपिलरीज में। फ्रॉम दैट लिम्फ कैपिलरीज इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लिम्फ वेसल, और जो लिम्फ वेसल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या होगा बेटा, लिम्फ होती है जो कि बेसिकली कलरलेस फ्लूइड होगी, जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है किस चीज का, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और स्मॉल प्रोटीन्स। ठीक है जी। अब फिर इसके बाद बेटा जी ये अगेन ट्रांसपोर्ट हो जाती है आपके वेन्स को, किसको ट्रांसपोर्ट हो जाती है, वेन्स को ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो बेटा प्रॉफिट क्या हुआ, इधर से ले आए भैया पहले ही घुसा देते हैं, अभी क्यों घुसा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे चेक जाम लगाया गया है, यहाँ पे थ्रू आउट द लिम्फेटिक वेसल मौजूद होता है बेटा लिम्फ नोड्स, और ये लिम्फ नोड्स के अंदर में पाई जाती है बेटा जी आपके डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। बेसिकली क्या होता है बेटा जी, यहां से ब्लड को निकाल के लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट इसलिए कराया जाता है कि मान लीजिए अगर ब्लड में किसी भी प्रकार का पैथोजन आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, वायरस आ गया है, प्रोटोजोआ आ गया है, कुछ भी आ गया हो, तो बेटा जी यहाँ पे ये जो लिम्फोसाइट बैठे हुए हैं ना, ये इनका स्वागत ऐसे करते हैं, यानी इनको किल करने का काम करते हैं, कौन बेटा जी लिम्फोसाइट। सो दैट्स व्हाई ये जो चैनल है ये क्या कर रहा है बेटा, ये बेसिकली मदद कर रहा है ये चेक करने के लिए कि भैया जो ब्लड आया है उसके अंदर में कहीं कोई पैथोजन तो नहीं आया है। तो इस पैथोजन को चेकिंग प्रोसेस जो होता है वो होता है आपके लिम्फ के वजह से, और जो ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कंटेंट करता है लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल, लिम्फ और लिम्फ नोड्स। क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो 70% इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो ऐसा कैसे, ऐसा देखो जैसे मान लो कोई एक रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, कोई एक नदी फ्लो कर रही है, मुझे जानना है कि भैया इस नदी में पॉल्यूटेड कितने हैं, तो क्या आप पूरी नदी को रोक के चेक करोगे क्या, नहीं ना। इसमें से क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी हम निकाल लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉल वाटर को हमने निकाल लिया, उसको हम लोग ले गए बेटा जहां पे हमारा चेकिंग सेंटर है, जैसे मान लीजिए ये हमारा चेकिंग सेंटर है, वहां पे ले गए, चेक किया कि हाँ पॉल्यूटेड है कि नहीं, अगर पॉल्यूटेड है तो उसको क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, और विदाउट पॉल्यूटेड वाटर वाला उसको फिर से कहाँ डाल दिया, आपके रिवर में डाल दिया। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे चेकिंग सेंटर है पॉल्यूटेड को चेक करने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में कोई पॉल्यूटेड यानी कि पैथोजन तो नहीं घुसा है, ये आपका चेक किया जाता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम के मदद से। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केसेस है, यानी जो डिश जो कैपिलरी से लीकेज होता है प्लाज्मा और ये सब कहा जाते हैं आपके टिश्यू फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये हो गया पहला। फिर आपके जाएंगे लिम्फ कैपिलरीज में, तो लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल में, और उसमें ट्रेवल कर क्या है लिम्फ वेसल, इसमें लिम्फ और लिम्फ से लिम्फ नोड, जहां पे बैठे होंगे लिम्फोसाइट्स जो कि किल करके मारने का काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपका लिम्फ, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। तो याद रखिएगा केवल
जो टिश्यू फ्लूड होता है 30% आपके डायरेक्टली वेंस में जाता है, तो जो नहीं जा पाता है यानी जिसको हम लोग एक्सेस टिश्यू फ्लूड कहेंगे जो 70% है वो वेंस में नहीं जा पाता है, तो वो कहाँ जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड, और तब हो जाता है वेंस में। क्लियर है जी? क्लियर है जी? चलिए बेटा जी, जो जो बातें मैंने बोली यहाँ दे रखी है लिख के। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड एज द लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूड या टिश्यू फ्लूड, उसी को कहते हैं लिम्फ। इज कलरलेस फ्लूड विच कंटेन्स प्लाज्मा, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स या स्मॉल प्रोटीन्स, WBC, बट नो RBC, कोई RBCs में नहीं होती है। दिस एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट इन द कैपिलरीज, उसमें पोर्स थे, कॉल्ड एज द टिश्यू फ्लूड या उसी को इंटरस्टिशियल फ्लूड या उसी को लिम्फ बोलते हैं। भैया अब ये निकल के कहाँ जा रही थी, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल और फिर आपके वेंस में खुल जा रही थी। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फ कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस से निकल के, विच जॉइंस टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेसल, जो लार्ज लिम्फ वेसल, एंड दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्ज वेंस में खुल जाती थी। लिम्फ कैरीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो लास्ट में दे रखा है, लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड ऑल्सो। लिम्फ क्या कैरी करता है, ठीक है, क्या कैरी करता है बेटा, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। जब लार्जेस्ट लिम्फ होती है जिसको बोलते हैं लैक्टियल, वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड को लेती है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड, दोनों ध्यान रखिएगा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो चुका है फैट का, उसको लेती है फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये जो लिम्फ होती है ना, सबसे बड़ी लिम्फ होती है, आई थिंक द नेम ऑफ दैट लिम्फ इज द लैक्टियल, लैक्टियल इसका नाम होता है, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इसको उठाती है और फिर उसको कहाँ पटक देती है बेटा, आपके ब्लड के अंदर में पटक देती है। तो याद रख लीजिएगा, जो लिम्फ कैरी करती है डाइजेस्टेड एंड क्या बोला मैंने, दूसरा आपका दे रखा है दैट इज एब्जॉर्ब फूड को, सॉरी फूड नहीं, एब्जॉर्ब फैट को, तो ये फैट को लेके जाएगी और आपके इंटेस्टाइन से और ड्रेन कर देगी, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से निकाल देगी, और फिर यानी आपका फैट आपके बेसिक अलग अलग जगह पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट होने लगेगा और फिर वो बैक करके आपके ब्लड में आ जाती है। क्योंकि आपके ब्लड में फैट तो डिपोजिट नहीं हो सकता ना, तो वहाँ पे अगर डिपोजिट होगा तो ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा, तो ये ब्लड के थ्रू जाता है फैट और आपके बेसिकली जिस सर्विस पे डिपोजिट होने वाला होगा वहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है जी? तो लार्जेस्ट लिम्फ जो होगी, लिम्फ जो डाइजेस्टेड फैट या एब्जॉर्ब फैट को कैरी करती है, दैट इज नोन एज द लैक्टियल, याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल। वैसे आप में नहीं दे रखा है, ये 11th में दे रखा है NCERT में। क्लियर है जी? ओके जी, चलिए, तो ये आज हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ एनिमल इज कंप्लीटेड जी। तो आप आसानी से इसको देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है बेटा, इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। और बेटा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू ऑल।